नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आह्वान पर संयुक्त मोर्चा नगर पालिका दमोह द्वारा हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। समय पर वेतन न मिलने और 11 सूत्री और 18 सूत्री पुरानी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट दमोह में अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दमोह शहर में सोमवार से नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू करी है और नगर पालिका कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएँ प्रभावित भी हुई है। नगर पालिका के कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने टेंट लगाकर नारेबाजी करते हुए मांगे रखी और नगर पालिका से कर्मचारी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर नारेबाजी करते हुए रवाना हुए हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका कर्मचारी का कहना है कि प्रांतीय आह्वान पर संयुक्त मोर्चा शहर दमोह नगर पालिका कर्मचारी ने 11 सूत्री और 18 सूत्री मांग पुरानी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। प्रमुख मांग यह है कि क्षतिपूर्ति की राशि से जो भुगतान होता था वह राशि 2-3 माह से नहीं आ रही है। कर्मचारियों के वेतन में भारी समस्या हो रही है और समस्या पूरे प्रदेश में है, किंतु नगरपालिका दमोह अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अथक प्रयासों से वेतन करा दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सोमवार को नगरपालिका कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने टेंट लगाकर नारेबाजी करते हुए मांगे रखी है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की और ना ही समय पर वेतन दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा 11 सूत्री और 18 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने से जल व्यवस्था सफाई व्यवस्था ठप हुई। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा सोमवार सुबह से हड़ताल शुरू हुई है। नगर में साफ सफाई नहीं हो पाई है और पूरे नगर में अलग अलग स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 18 मांगे हैं, इसमें उपरोक्त अनुरोध है कि महासंघ द्वारा विगत कई बार नंगरी निकायों के अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु मांग पत्र दिए गए हैं, किंतु आज तक कोई निराकरण नहीं होने से नगरी निकाय के कर्मचारी सफाई कामगारों के वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अतः निम्न अनुसार पुनः मांग पत्र का निराकरण करने का सादर प्रेषित। प्रदेश की नगरी निकायों के कार्यरत समस्त कर्मचारी सफाई कामगारों को शासन निर्देश अनुसार दिनांक 1-5 तक के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जावे तथा चुंगी यात्री कर से कटोत्रा बंद किया जाकर चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दोगुना किए जावे। दूसरा, पुरानी पेंशन योजना नगरी निकायों के समस्त सेवकों पर लागू किया जावे। तीसरा, नगरी निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जावे एवं विनियमिती कर्मचारियों को तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी किया जावे। चौथा, निकायों में कार्यरत विनियमित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। पांचवा, समयमान वेतनमान का लाभ नगरी निकायों के कर्मचारियों को दिया जावे जो कि शासन निर्देश अनुसार संभागीय कार्यालय में लंबित है। छठवा, निकायों में कार्यरत समस्त संवर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति की जावे एवं पदोन्नति की उपरांत चयनित कर्मचारी 94-4 की पुष्टि की जावे। सातवां, नगरी निकायों के कर्मचारियों से अन्य विभागों का कार्य नहीं किया जावे। आठवां, विभाग में एक ही शाखा में 3 वर्षों से अधिक कर्मचारियों की शाखा परिवर्तन किए जावे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार। नौवां, प्रत्येक माह से आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक आहूत की जावे। दसवां, नगरी निकायों में कार्यरत वाहन चालकों एवं विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बीमा सुरक्षा योजना लागू हो। ग्यारहवां, व्यापम से 50% भर्ती की जावे तथा 50% भर्ती विभागीय की जावे अथवा स्थापना व्यय 65% से अधिक होने पर उक्त निकायों में नवीन भर्ती प्रतिबंधित की जावे शासन आदेश अनुसार। प्रांतीय आह्वान पर
प्रदेश समस्त प्रदेश में काम मंडप अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 सूत्रीय मांगें और 18 सूत्रीय मांगें पुरानी हैं, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि हमारे यहाँ जो चुनी क्षतिपूर्ति की राशि से वेतन होता था वह विगत दो दो तीन तीन माह से नहीं आ रही, जिससे कर्मचारियों में वेतन की भारी समस्या, इस समस्या को सारे प्रदेश में है परंतु नगर पालिका दमोह में श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय जी के द्वारा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा अथक प्रयास करके वेतन का भुगतान करा दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। 11 माह 18 माह से GPF की राशि जमा नहीं हुई कर्मचारियों की, 21 माह से NPS की राशि जमा नहीं है और पुरानी पेंशन बहाली इत्यादि महत्वपूर्ण जो हमारे स्थायी कर्मी साथी हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण मांग ये है, चतुर्थ श्रेणी के पद बहुत ही कम है, इसलिए तृतीय श्रेणी के पद पर नियमितीकरण के आदेश की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और भी बहुत सी हैं, पदोन्नति नहीं हो रही हम लोगों की, और भी विभिन्न मांगे हैं। सफाई कर्मचारियों को 65% स्थापना व्यय पर है, परंतु स्थापना व्यय अनियंत्रित हो रहा है क्योंकि आदर्श कार्मिक संरचना बना दी है इन लोगों ने जनसंख्या के मान से, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है उसमें कोई संशोधन नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की एक मांग ये भी है कि आदर्श कार्मिक संरचना में संशोधन किया जाए, शहर बढ़ रहा है, आय वृद्धि क्षेत्र जोड़े जावे, इसमें चुगनी क्षतिपूर्ति की राशि दोगुना की जावे, क्योंकि पूरे एरिया जितने हैं पूरे ग्राम पंचायतों के ये आय वृद्धि क्षेत्र में आ रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं शहर का, परंतु हम लोगों को उसकी चुगनी क्षतिपूर्ति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दो दो तीन तीन माह से सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रांत व्यापी आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 तारीख को प्रोग्राम रखा गया था जो कि उनके द्वारा निरस्त करके 1 तारीख को इसलिए कर दिया गया है, हम लोगों की आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए विगत समय में माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह आने वाले हैं, हम सभी कर्मचारी साथियों को उन्हें आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही आप लोगों से मुलाकात करके सहानुभूतिपूर्वक आपके निराकरण के लिए काम कर रही है सरकार। हमें पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी। हमारे दोनों प्रांतीय अध्यक्षों की माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा वार्ता हो चुकी है, शीघ्र ही उस पर सफल जो है निर्णय और पॉजिटिव निर्णय आएगा ही, ऐसी हमारी आशा है।